हेलो दोस्तों, होममेड बाय मेघा में आप सभी का स्वागत है। आज की हमारी रेसिपी है टेस्टी और क्रिस्पी चिवड़ा। तो इसके लिए मैंने ये पतला पोहा लिया है 750 ग्राम। सबसे पहले हमें अच्छे से इसे क्लीन कर लेना है और उसके बाद इसे हम ड्राई रोस्ट करेंगे। इसके लिए मैंने एक कढ़ाई में थोड़ा सा तेल लिया है, इसमें डालूंगी थोड़ा सा नमक और हमारा जो पोहा है उसमें से आधा पोहा डाल रही हूँ मैं इसमें, क्योंकि मेरे पास छोटा बर्तन है तो हम इसे दो बार रोस्ट करेंगे। इसे हमें तब तक रोस्ट करना है जब तक कि ये अच्छे से क्रिस्पी नहीं बन जाता। तो सेम इसी तरह से हम सारे पोहा को रोस्ट कर लेंगे। नमक और तेल डालने से क्या होता है कि हमारा जो पोहा है उसका शेप चेंज नहीं होता, इसलिए मैंने डाला है। आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। अब हम पोहा का मसाला तैयार कर लेंगे। तो इसके लिए मैंने दो बड़े चम्मच धनिया के बीज लिए हैं, एक बड़ा चम्मच सौंफ, जीरा एक बड़ा चम्मच, और इसे 2-3 मिनट के लिए हम भून लेंगे और फिर इसे ठंडा करके इसे पीस लेंगे। तो देखिए, मैंने ये पाउडर तैयार कर ली है, इसे साइड में रख देंगे। अब मैंने एक कढ़ाई में 3/4 कप तेल गरम कर लिया है, इसमें डाल रही हूँ आधा कप मूंगफली। इसे हम थोड़ी देर के लिए फ्राई कर लेंगे। हमें इसे ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, नहीं तो इसका टेस्ट थोड़ा सा कड़वा हो जाता है, इसलिए थोड़ा सा फ्राई करके हम इसे निकाल लेंगे। इसी तेल में अब मैंने 1/3 कप पतले स्लाइसेस में कटा हुआ नारियल डाल दिया है और इसे भी अच्छे से फ्राई कर लेंगे और निकाल लेंगे। अब इसमें मैंने डाल दी है आधा कप रोस्टेड चना दाल, इसे भी बस 2 मिनट के लिए फ्राई करके हम निकाल लेंगे। सेम ऑयल में अब मैं डाल रही हूँ 1 कप कड़ी पत्ता। कड़ी पत्ता भी अच्छे से फ्राई हो चुका है, इसे भी मैं निकाल रही हूँ। देखिए, मैंने ये मूंगफली, नारियल, चना दाल और कड़ी पत्ता को फ्राई कर लिया है। अब इसी गरम तेल में हम 1 छोटी चम्मच सरसों के बीज डाल देंगे। सरसों के बीज को अच्छे से तड़कने देंगे और गैस की फ्लेम बंद कर देना है हमें। गैस की फ्लेम बंद करने के बाद हम इसमें डालेंगे लाल मिर्च की पाउडर 3 छोटी चम्मच, हल्दी पाउडर 1 छोटी चम्मच, आमचूर पाउडर 1 छोटी चम्मच, स्वादानुसार नमक, चाट मसाला 2 छोटी चम्मच, गरम मसाला 1.5 छोटी चम्मच, और जो हमने पाउडर तैयार कर ली थी उसमें से 2 से 3 चम्मच हम डाल देंगे। नमक हमने पहले भूनते वक्त भी डाला था, तो थोड़ा ध्यान से डालिएगा। पिसी हुई चीनी डाल रही हूँ 4 छोटी चम्मच, और अब सभी चीज़ों को अच्छे से मिला लेंगे और इसे साइड में रख देंगे। अब मैंने एक बड़े बर्तन में ये पोहा लिया है जो हमने भून के रखा था, और अब इसमें मैं ये तली हुई चीज़ें डाल रही हूँ। हमने जो मसाले की चटनी तैयार करके रखी थी वो अब इसमें डाल रही हूँ मैं, और इस पॉइंट पे आप इसे और भी ज़्यादा टेस्टी बनाने के लिए इसमें मुरमुरा भी मिला सकते हो, या फिर आपके पास सेव है तो सेव भी मिला सकते हो। और अब हम इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे 4-5 मिनट के लिए, या फिर जब तक कि ये अच्छे से एक दूसरे के साथ मिक्स नहीं हो जाते। तो देखिए, मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है और हमारा चिवड़ा बिल्कुल तैयार है। ये चिवड़ा खाने में बहुत ही टेस्टी और क्रिस्पी होता है दोस्तों, और बनने में भी बिल्कुल आसान है, तो इसलिए आप इसे ज़रूर ट्राई करें। आप इसे डब्बे में भरकर 15 से 20 दिनों के लिए आराम से रख कर खा सकते हैं। इस
तैयार चूड़े में आप बारीक कटी हुई प्याज, टमाटर, बारीक कटा हुआ धनिया और ऊपर से थोड़ा नींबू का रस डाल के आप इसे भेल की तरह भी खा सकते हो। और अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो रेसिपी को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरी ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।